हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल हीट सिंक फैन केस इन रास्पबेरी पाई 4। अगर आपने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है ऑफ अनबॉक्सिंग पाई बॉक्स, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आई बटन में भी दे दूंगा, क्योंकि आज हम जो भी कंपोनेंट एंड पार्ट्स यूज करने वाले हैं वो सब हमने पाई बॉक्स किट में से अनबॉक्स किया हुआ है। सो यू डोंट नीड टू बाय इट एडिशनली। दिस इज धवल, यू आर वॉचिंग डीटेक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे? सबसे पहले रास्पबेरी पाई 4, सेकंड हीट सिंक्स, थर्ड रास्पबेरी पाई केस, एक स्क्रू ड्राइवर, फैन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हीट सिंक। ये जो हीट सिंक है दैट इज मेड फ्रॉम कॉपर और इसका हीट डिसिपेशन ज़्यादा है एल्यूमिनियम के कंपेयर में। सो यहाँ पे हमारे पास तीन हीट सिंक्स हैं, उसको हम रास्पबेरी पाई के ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। एक मेन प्रोसेसर पे आएगा, सेकंड ऑन टॉप ऑफ रैम एंड थर्ड ऑन यूएसबी कंट्रोलर। वी आर गोइंग टू रिमूव दिस टैब। यहाँ पे जो प्रोसेसर है हमारे पास दैट इज ब्रॉडकॉम BCM 271180, जो कि एक 1.5 GHz प्रोसेसर है एंड कॉर्टेक्स A72 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 64 बिट का यह प्रोसेसर है। सेकंड हम ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे रैम पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे थर्मल पेस्ट जो है दैट इज बिल्ट इन, सो यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी एडिशनल थर्मल पेस्ट वाई इंस्टॉलिंग इट सिंक। एंड ये थर्ड वन है विच वी आर गोइंग टू एड ऑन टॉप ऑफ द यूएसबी कंट्रोलर। यूएसबी कंट्रोलर हीट तभी होगा जब आप मोर पेरिफेरल्स कनेक्ट करोगे, तभी ये हीट इसका बढ़ जाएगा। सो दिस इज फॉर दैट। सो हीट सिंक इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस रास्पबेरी पाई इन टू द केस। इसका जो ऊपर का लेयर है विच वी कैन पुट इट आउट, सो ये इजिली निकल जाएगा। हम इसको प्रेस करेंगे तो ये भी इजिली निकल जाएगा। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे जो SD कार्ड है वो मैच हो जाएगा SD कार्ड की जगह। देन इस साइड से स्लाइड करेंगे, ओके। नाउ बॉटम पार्ट इज डन। अभी ऑन टॉप ऑफ दिस वी आर गोइंग टू माउंट दिस केस। इसके टॉप पार्ट में मेक श्योर कि ये जितने भी होल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करें। जैसे यहाँ पे फिर ये SD कार्ड वाला, यहाँ पे सब पेरिफेरल्स एंड होल्स एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे। यहाँ पे भी SD कार्ड की जगह रह जाएगी, यहाँ पे USB सील हो जाएगा। अभी हम लोग इसके ऊपर फैन माउंट करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, 6500 RPM एंड 8000 RPM। सो वी आर गोइंग टू माउंट फैन विथ पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 4, जो कि एक 8000 RPM फैन स्पीड कंट्रोल है। इसमें आपको पोलारिटी का ध्यान रखना है, रेड वन goes on 5 watt and black one goes on pin number 6 which is ground. Okay, हमने फैन माउंट कर लिया है। अभी एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी फैन हमारा वर्किंग कंडीशन में है। सो नाउ वी कैन माउंट स्क्रूज ऑन टॉप ऑफ दिस। यहाँ पे अभी फैन लग चुका है। जब भी आप फैन इंस्टॉल करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ से जो वायर फैन में जाता है वो
इतना सा ही है, सो मेक श्योर कि आप इसको उल्टा ना करें। अभी एक बार पावर सप्लाई कनेक्ट करके देख लेते हैं। So as you can see, it's working. अभी मैं थोड़ी स्लाइड्स पुट करूंगा यहाँ पे, विथ फैन एंड विदाउट फैन, रास्पबेरी पाई का टेम्परेचर कितना है, ड्रॉप हो रहा है या नहीं, वी विल सी द रिजल्ट्स। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे रास्पबेरी पाई विथ फैन। अभी ये जो सीपीयू टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 44 एंड टेम्परेचर इज जीपीयू टेम्परेचर इज 44.8। मैंने यहाँ पे 1080 का एक वीडियो लोड करके रखा है, लेट्स प्ले। यहाँ ऊपर भी आपको लाइव दिखेगा 47.48 करंट रीडिंग्स है। अभी जो टेम्परेचर रीडिंग आ रहा है वो फैन के बिना का है, 3 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ पहले के मुकाबले, 4। सो डेफिनेटली रास्पबेरी पाई में एक फैन एंड हीट सिंक इज अ वेरी गुड डिसीजन। जब भी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो या तो 1080p में वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, एट दैट टाइम दिस थिंग विल बेनिफिट। अभी जीपीयू टेम्परेचर 60 डिग्री के अराउंड है। अगर आपके पास रास्पबेरी पाई है तो मेक श्योर आप उसमें हीट सिंक इंस्टॉल करें एंड फैन इंस्टॉल करें। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।